दोस्तों तो फाइनली टोनी कक्कर का न्यू सॉन्ग आ चुका है सैया धीरे धीरे। जी हाँ, धीरे धीरे के बाद अब ये सैया धीरे धीरे है। फीमेल वॉइस है सॉन्ग की, वो है नेहू यानी अपनी निया कक्कर। और यहाँ पर टाइटल में मैं देख रहा हूँ कि एक नया नाम भी है सिंगिंग में, जिसका नाम है टोनी जूनियर, टोनी कक्कर का छोटा बेटा। दोस्तों मुझे कोई आइडिया नहीं है कौन है ये टोनी जूनियर, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन हाँ, ये बात तो आप मानोगे चाहे आप कितना भी ट्रोल कर लो टोनी कक्कर, नेहा कक्कर को ऑल्सो, बट जब भी वो डियो में सॉन्ग गाते हैं आप मानोगे कि यार वो सॉन्ग पूरा हिट जाता है, सुपर हिट जाता है। मतलब कुछ एक अलग ही टाइप का उनका सॉन्ग होता है, कैची लाइंस होती है, तो पक्का वो हिट तो जाता ही जाता है, एक बैंगर परफॉर्मेंस वो पक्का देते हैं। तो यार सुनते हैं पहले धीरे धीरे कैसा है ये नया सॉरी सैया धीरे धीरे, तो सुनते हैं फिर बाद में बात करते हैं क्या है इस पूरे सॉन्ग में, कैसा था ये पूरा सॉन्ग, फिर लास्ट में बात करेंगे पूरे सॉन्ग के बारे में। पर उससे पहले सुनते हैं सैया धीरे धीरे बाय टोनी कक्कर, नेहा कक्कर एंड टोनी का छोटा बेटा टोनी जूनियर। सो लेट्स गो। साउंड यार हाँ ठीक है, इस बार डांस करते हैं ना, मैं तो माइकल जैक्सन हूँ भाई, करता हूँ। अरे शॉट रेडी है सर, आया रुक मेरा है माइकल जैक्सन। ओके तेरा कुर्ता है मलमल का, काले आज का नहीं ये कल का, तेरा है नशा ये कैसा है जो साउंड सेम लाइक धीरे धीरे कहीं तक मारो नैनों की जो तीर तीर निशाने पे लग जाए वैसे मजा तो आता है सैया धीरे 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 मारो नैनों की जो तीर तीर निशाने पे लग जाए वैसे मजा तो आता है। निशाने पे तीर मेरा चुकता नहीं, वो कहती बेबी रुक पर मैं रुकता नहीं, बस माल करा रोल पर मैं फूकता नहीं, दिल का दर्द देता दिल डूबता नहीं। लॉन्ग गवाचा आई मारने का, सेट है बीट गुड़ी भी कभी का, लड़की है जिक जिक ओ व्हाट अ फिगर, ओहो तेरे साथ टम टम द लिरिक्स का तेरा सोना 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 जागे कितना संग में सोना, मारा तीर नजर का तुमको थोड़ी तकलीफ है भी लोना लोना। ड्रॉपर जो जाना पीना है गलती शाम है मना, जो 16 साल से पहले मुझको वही जरूरी काम है। ओके इनमें अगर बात की जाए सॉन्ग में तो जितना भी पोर्शन नेहा कक्कर का था वो बहुत बेहतरीन था, मतलब वो हुक लाइन भी बन सकता है, रील्स उसमें बहुत ज्यादा ट्रेंड कर सकती है। जो भी सैया धीरे धीरे जो लाइन है नेहा कक्कर की, वो है इसका हुक पार्ट जो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो सकता है, मतलब हो क्या सकता है होगा, बट या जो भी पार्ट है अपने किसका टोनी कक्कर का और टोनी जूनियर का वेस्ट
बिल्कुल वेस्ट। मतलब यार इस बार वो बात नहीं रही जैसे इससे पहले उनके सॉन्ग्स थे, तो उनकी जो वॉइस थी वो कहीं कहीं तक कैच करती थी, बट इसमें बहुत कम उन्होंने, पहले तो अपना पार्ट बहुत कम कर दिया है, जहां पर उनको गाना चाहिए तो उन्होंने वो लाइंस अपने लिए नहीं लिखी है जो कैच कर जाए। पूरा नेहा कक्कड़ की वॉइस ही इस सॉन्ग में जो सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, बाकी पूरा ग्लैमर वाला पार्ट है जो भी वीडियो सेक्शन में। सॉन्ग तो अच्छा बोल सकते हैं क्योंकि न्यू जनरेशन है, न्यू बीट्स है, कुछ नया करने की कोशिश की है सॉन्ग्स के साथ, तो अच्छा है सुनने के लिए, वन टाइम सुनने के लिए तो बहुत अच्छा है, पार्टी में बजाने के लिए बहुत अच्छा है। बट यार टोनी कक्कड़ बहुत ज्यादा लाइंस अपने लिए लिखनी चाहिए थी, एक हुक लाइन जो होती है सॉन्ग में वो टोनी कक्कड़ को जरूर करनी चाहिए थी। थोड़ा बीच में रैप था शायद टोनी जूनियर का होगा, और जो भी टोनी कक्कड़ के लिरिक्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे मुझे, बट नेहा कक्कड़ की तो बात ही कुछ अलग है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा रहा है, आपकी क्या राय है यार, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना प्यार चैनल के साथ बरसाते रहना। तो मिलेंगे फिर आपसे ऐसी अगली एंटरटेनिंग रिलेटेड वीडियोस में, टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, सायोनारा।